नमस्कार, मैं आस्था चौहान आप सभी का न्यूज ट्रेंड नाइन इंडिया में स्वागत करती हूँ और आइए देखते हैं अभी की ताजा खबरें। उधम सिंह में सूबे की भाजपा सरकार पर फ्री होल्ड नजूल नीति के मामले में ढुलमुल रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संजय नगर कॉलोनी में त्रिवेंद्र सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की नीतियां हमेशा गरीब विरोधी रही है। नजूल मामले में सरकार की गलत नीतियों के कारण आज हजारों परिवार के सिर से छत छीनने के आसार पैदा हो गए हैं। पुतला दहन करने का मतलब यह है कि अखबार के माध्यम से हमें कोर्ट के आदेश का पता लगा है। 40 साल से रुद्रपुर में सारे जनता बैठे हुए हैं, लेकिन इसको अब कोर्ट के आदेश के माध्यम से हटाने का और खाली करने का जो आदेश कोर्ट के माध्यम से हुआ है, ये बिल्कुल जनता के साथ नाजायज हो रहा है। ये सरकार की कमी है। जो सरकार अगर समय से इसका विरोध करता है, आज तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन भाजपा के सरकार बनते ही लोगों को गुमराह किया गया कि हम सबको फ्री में पट्टा देंगे और आपका जो है मालिकाना हक देंगे, लेकिन ये सारे वादा उनके झूठे हैं। वो कोर्ट के पैरवी करने तक के लिए उनके कोई वकील और उनके पक्ष का कोई व्यक्ति नहीं है, जो आज ये जनता को ये झेलना पड़ रहा है कि कोर्ट ने यह आदेश दिया कि नजूल को खाली करने के लिए, लेकिन किसी भी हाल में जनता ये नजूल को खाली करने वाला नहीं है। रुद्रपुर जिले के उधम सिंह नगर स्थित जगतपुरा में एक बेहद ही शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसमें एक महिला पर उसके ससुराल वालों ने चरित्र शंका का आरोप लगाते हुए पहले महिला के बाल काटे, फिर उससे सार्वजनिक तौर पर सरेराह घुमाया गया। इस घटना पर कुछ महिलाएं उग्र हो गई और उन्होंने SSP ऑफिस का घेराव कर प्रदर्शन कर धरना दिया। पूर्व पालिका अध्यक्ष मीना शर्मा ने कहा कि जिस तरह महिला सुशीला तिवारी को बेआबरू किया गया, ये बेहद ही शर्मनाक है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। मौके पर पहुंचे विधायक राजकुमार ठुकराल ने भी ठोस कार्यवाही का आश्वासन दिलाया। इस घटना की पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, बेसिकली ये 2-3 दिन पहले का मामला है, जिसमें एक महिला के साथ में काफी चमकी रहने वाली है, उसके साथ में कुछ मारपीट और बदतमीजी और कुछ इस तरह की घटना हुई थी, जिसके आधार पे पुलिस के द्वारा कल इसमें FIR दर्ज कर ली गई है। उसके ब्रदर के द्वारा भी FIR दी गई, दर्ज कर ली गई है। महिला का अभी इलाज खिलाफ सिलसिला तिवारी में चल रहा है और उस FIR के आधार पर हमारे द्वारा दो लोगों को उसमें से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इनमें जो महिलाएँ आई है उनका मांग गिरफ्तारी को लेकर था कि जो सही है वही गिरफ्तार हो, तो उन्हीं नामजद और जो बयानों के आधार में जो तक सभी तक मिले उसके आधार पर दो को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं, जल्दी उम्मीद करते हैं जितने इस घटना में जो भी जितने लोग शामिल थे। यूपी के रामपुर में अज्ञात बदमाश दिव्यांग का मोबाइल लूटकर फरार हो गए। ये सारी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें आप देख सकते हैं कि बदमाश ने किस तरह इस वारदात को अंजाम दिया। घटना 8 जून की बताई जा रही है, जिसकी रिपोर्ट दिव्यांग संबंधित बिलासपुर थाने में दर्ज कराने गया तो रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, जिससे आहत होकर पीड़ित दिव्यांग ने अब मुख्यमंत्री पोर्टल पर कार्यवाही की शिकायत की है। तो मैं फोन पे बात कर रहा था बाहर, तो इसके बाद चोर आया और मेरा फोन छीन के ले गया, बड़ा फोन था मेरा। इसके बाद मैं कितनी कीमत का था? कम से कम 14-15 हज़ार की कीमत का था। 15 हज़ार कौन सी कंपनी का था? सैमसंग का था, J5 प्राइम। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद मैं फोन में बात कर रहा था, एकदम अचानक चोर आया और चोर लेके मेरा फोन भाग गया। मैंने उसका पीछा करा, ये सारी जो खबर है CCTV में कैद भी हुई। इसके बाद मैं थाने गया, थाने में रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया गया मुझे। आपने कहा कि घटना CCTV कैमरे में? हाँ, मैंने कहा, पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि सबूत लेकर आओ। मैंने कहा सबूत है, पर फिर भी हमने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। यूपी में फिर एक बार इंसानियत को तार तार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां रामपुर के केंद्र स्थित ग्राम कुइया में रहने वाले 8 वर्षीय बच्ची से पड़ोस के रहने वाले युवक ने रेप कर लिया। बताया जा रहा है कि वो जब अपने घर पर अकेली थी, तब आरोपी गुलफाम उसे मोबाइल दिखाने के बहाने घर में ले गया और उसके साथ हरकत करने लगा। मौके पर पहुंची बच्ची की मां ने ये सब देख शोर मचाया तो काफी लोग इकट्ठा हो गए, जिस पर मौका देख आरोपी फरार हो गया। जिस पर पीड़ित बच्चे के परिजन ने केमरी थाने में आरोपी गुलफाम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। अच्छा, इधर को देखो। हाँ, आप बताओ। मुझे बुला के मैंने लेके चप्पू के बारे में करी और बादाम सब उतारी थी, सलवार उतार के मैं अपनी चोली उतारी थी
और बदतमीजी करनी चाहिए थी, बदतमीजी कर रहा था, गंदी बात कर रहा था। अरे ये खेल ये तो कहीं बताइए पति, जैसे कि घर चली गई खेल लो गुरफान के, ये गुरफान अपने घर से हमारे घर को ले आया बुला, चल मोबाइल देख हमने, इन्हें मोबाइल दिखाया उखाया होगा, जब मैं आई वहाँ डाल कर तो ये घर में से निकला, मुझे देख कर भूल गया, उसी की रोने की आवाज़ आई, मैं अंदर देखा वाली जाकर तो ये लड़के भाई नंगी पड़ी थी, ये भज गया। मैं इससे कह रही बेटे क्या हुआ, गुरफान ने ला के बुला के और मेरे कपड़े दिखा दिए, मेरे कपड़े से बाद में कुछ करा कुछ कही है तो क्या हुआ, अभी लगा कि क्या कही क्या करा। हिना ने घर पर कोई मिलेंगे जब जानकारी होगी? नहीं, अभी पीड़िता एक थाने गई है, क्या सूचना मिली आपको? मैं सूचना पर यहाँ आ गया, मैं घर पर बैठा हूँ, जैसे ही हापुड़ के गांव बझेड़ा खुर्द के जंगल में गौ हत्या की अफवाह के बाद एक अधेड़ की हत्या करने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुआ जिसमें कानून के रखवालों के सामने भीड़ अधेड़ को टांग कर ले जा रही है। कोतवाली पिलखुवा थाना क्षेत्र के बझेड़ा खुर्द के जंगल में गौ हत्या की अफवाह के बाद लोगों की भीड़ ने कासिम नामक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद एसपी संकल्प शर्मा ने पिलखुवा इंस्पेक्टर और दो पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में खुर्सीपार गेट पर बनी एक वृद्धा की झोपड़ी में अनियंत्रित ट्रॉला घुस गया, इससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हालांकि उस दौरान महिला झोपड़ी में नहीं थी। बीती रात करीब 11 बजे खुर्सीपार गेट में एक तेज गति से आ रहे ट्रॉला वृद्धा की झोपड़ी में घुस गया जिससे झोपड़ी पूरी तरह से टूट गई। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत फैल गया, लोगों की भीड़ देखकर चालक मौके से फरार हो गया है। हालांकि इस दौरान ट्रॉला झोपड़ी में घुसा था, उस समय महिला वहां मौजूद नहीं थी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि देर रात होने से ज्यादा भीड़ नहीं थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। तारानगर के एक छोटे से गांव के होनहार विद्यार्थी ने सीबीएसई 10वीं में उच्च अंक पाकर गांव का नाम रोशन किया। इस उपलब्धि पर ग्रामीणों ने विद्यार्थी का सम्मान किया। तारानगर के लुनास गांव निवासी अभय सिंह पिता भगवान सिंह चारण ने सीबीएसई 10वीं में 95% अंक प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। इस पर ग्रामीणों ने अभय को सम्मानित कर ₹5,000 का चेक सौंपा। यूपी के हापुड़ में धोलाना थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में गत्ते की फोम फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, इससे ₹करोड़ के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है। इंडस्ट्रियल एरिया में गत्ते की फोम फैक्ट्री में अज्ञात कारणों से आग लग गई, इससे आसपास के इलाकों में दहशत फैल गया। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया मगर सफल नहीं हो पाए। सूचना पर हापुड़ और गाजियाबाद की दमकलें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। जो अपनी मतलब अपनी गर्मी से आग लगी है। कितनी देर से आग लग रही है? इसे आग लगे को कम से कम हो गया 1.25 घंटे। अच्छा, भयंकर आग है। कोई पुलिस को सूचना दी हो? पुलिस को सूचना 100 नंबर पे फायर ब्रिगेड सबको दे दी। अभी तक कोई पहुंचा या नहीं? कोई नहीं पहुंचा अब तक, कोई खबर नहीं। लगभग कितने का नुकसान होगा? लगभग तो भैया करोड़ों में नुकसान है। अभी तो बाबूजी लोग बताएंगे कितने का नुकसान है। 2-3 घंटे हो गए, कोई बाइक गाड़ी आई या नहीं आई? 4:30 पुलिस को भी सूचना दे दी गई है। नंबर मिला रहे सब को उठाई ना रहो। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।